आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा, ईरान ने मिसाइलें दागी, प्लेन क्रैश। पीएम नरेंद्र मोदी ने आम जनता से बजट के लिए सुझाव मांगे, कहा अपने विचार सामने रखे। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का लक्ष्मण के जरिए कांग्रेस पर निशाना, कहा लक्ष्मण को फिर वनवास। मंत्री इमरती देवी से डरा मीडिया, मंत्री को लेकर पत्रकारों ने पुलिस को दिया ज्ञापन। और व्हाइट टाइगर को बढ़ाने के प्रयास, चिड़ियाघर से जंगल में आएगा व्हाइट टाइगर। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने अपने शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अल असद और इरबिल के सैन्य ठिकानों पर हुए इन हमलों के बाद अमेरिका भड़क गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बाज नहीं आया तो उसे बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। इस बीच ट्रंप ने खाड़ी देशों के लिए अमेरिकी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। ईरान की मीडिया के हवाले से खबर दी जा रही है कि इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर किए गए मिसाइल हमले में 80 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि भारतीय विमान कंपनियों को ईरान, इराक और गल्फ के हवाई क्षेत्रों से उड़ान भरने से बचने के लिए कहा गया है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें हमले के मद्देनजर व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारी व्हाइट हाउस के पास की चौकियों पर असाल्ट राइफल लेकर तैनात हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ तनाव को कम करना चाहता है, मगर इसके साथ ही चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा था कि ईरान के साथ शुरू होने वाले किसी भी युद्ध को खत्म करने के लिए देश तैयार है। ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक विमान क्रैश होने से 180 यात्रियों की मौत होने की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि हादसा तकनीकी कारणों से हुआ है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को देखते हुए तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमनेई ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर अपने देश के मिसाइल हमलों के बाद भाषण में कहा है, यह अमेरिका के चेहरे पर सिर्फ एक तमाचा है, बदला कुछ और होगा। नए वित्त वर्ष के लिए संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए उन्होंने लोगों को अपने विचार रखने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, यूनियन बजट देश के 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आने वाले आम बजट के लिए अपने सुझाव और विचार माय गवर्नमेंट पर दें। इस ट्वीट के साथ पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार एक वीडियो को भी शेयर किया है, जिसमें राष्ट्र निर्माण के लिए यूनियन बजट को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। गौरतलब है कि 31 जनवरी 2020 को संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है और मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 फरवरी को पेश हो सकता है। बीते सोमवार को पीएम मोदी ने देश के शीर्ष कारोबारियों के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही विकास दर में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की थी। देश की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वक्त में तेजी से गिरावट आई है, इस वजह से मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर भी रही है। ऐसे में सरकार चाहेगी कि बजट में इस तरह की छूटें दी जाएं जिससे देश की इकोनॉमी में गति आ सके। इसके साथ ही आम जनता की जेब पर भी कम से कम बोझ पड़े। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं और कहा, एक समय लक्ष्मण भाई के कारण वनवास गए थे और अब लक्ष्मण को भाई के प्रभाव वाली सरकार ने वनवास भेज दिया है। नरोत्तम का इशारा लक्ष्मण सिंह और उनके भाई दिग्विजय सिंह की तरफ था। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग की है। इसके लिए अपने भाई दिग्विजय सिंह से भी आग्रह कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसे में भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक समय लक्ष्मण भाई के कारण वनवास गए थे, इस बार लक्ष्मण को भाई के प्रभाव वाली सरकार ने वनवास भेज दिया है। जिन्हें संजीवनी बूटी देनी है वही मारक शक्ति चला रहे हैं। वो थे जो भाई के लिए वनवास चले गए थे, और एक लक्ष्मण ये है जिन्हें भाई ने वनवास में भेज दिया है। पर्दे के पीछे से भाई सरकार चला रहे ऐसे मंत्री लोग कहते हैं, पर जिन्हें संजीवनी देना चाहिए लक्ष्मण को, वो शक्ति के बाण और चला रहे हैं।
अरे क्यों नहीं जिला बना रहे हैं भाई, ये एक बात कई बार कह चुके वो। क्यों इतनी उपेक्षा सरकार के दलों के विधायकों की है? हीरा अलावा अलग कह रहे हैं, मंत्री अलग चीख रहे हैं, विधायक अलग। ये पूरा का पूरा अंदर ही अंदर घुल लग चुका है इस सरकार को, कभी भी भरभरा के जाएगी ये अपने बोझ से। रीवा के जंगल में पहली बार मिले सफेद बाघ को मध्य प्रदेश के खुले जंगलों में बसाने के बारे में मध्य प्रदेश का वन विभाग विचार कर रहा है। वन विभाग ने 2012 में सफेद बाघों को खुले जंगल में बसाने का प्रस्ताव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजा था। तब भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन हाल ही में एक शोध के बाद संस्थान ने NTCA को पत्र लिखकर कहा है कि यह सफेद बाघों को जंगल में बसाया जा सकता है। इसके बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने मध्य प्रदेश शासन को इस दिशा में फिर से संभावना तलाशने को कहा है। इस समय मध्य प्रदेश के चिड़ियाघरों में 9 सफेद बाघ हैं, जिन्हें खुले जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार सफेद बाघ प्रोजेक्ट लाकर ही इस प्रजाति को संरक्षित कर सकती है। MP के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर यू प्रकाशम का कहना है कि चिड़ियाघरों के बाघों को खुले जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है, नई जनरेशन से ही यह संभव है। इसमें भी कई जनरेशन के बाघ सफेद बाघ पैदा किए जा सकते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी। सरकारें इन बाघों की सफेदी का कारण अब तक अनुवांशिक मानती आई है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बाघों का जीन बदल जाता है। लंबे समय के शोध के बाद संस्थान के विशेषज्ञों ने इसे अलग प्रजाति मान लिया है। पिछले माह संस्थान ने केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इसकी जानकारी दी है और यह भी बताया है कि सफेद बाघों को खुले जंगलों में छोड़ा जा सकता है। वे शिकार करने और जंगल की समस्याओं से जूझने में सक्षम हैं। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, रीवा और इंदौर चिड़ियाघर में 9 सफेद बाघ हैं, लेकिन इन सफेद बाघों को खुले जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है। बाघ विशेषज्ञों का कहना है कि चिड़ियाघरों में लंबा समय गुजार चुके ये बाघ जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दरअसल इन्हें मनुष्यों के नजदीक रहने और देखरेख की आदत पड़ चुकी है। ये जंगल में जाएंगे तो सामान्य बाघ के सामने नहीं टिक पाएंगे। वर्ष 1952 में रीवा राजघराने के राजा मार्तंड सिंह को शिकार के वक्त सफेद बाघ मिला था। संभवतः वह अपने माँ से बिछुड़ गया था। पहले तो राजा ने उसे मारना चाहा, लेकिन बाद में उसे साथ ले आए। उसका नाम मोहन रखा गया। मोहन ने 34 संतानों को जन्म दिया। उसके कुनबे में 114 बाघ होने का रिकॉर्ड है। मोहन की संतान ही देश और विदेश में पहुंची है। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी और डबरा के एक पत्रकार के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें कथित रूप से मंत्री पर पत्रकार को धमकाने का आरोप लगा है। डबरा के पत्रकारों ने इसे लेकर ग्वालियर में ADGP को ज्ञापन भी सौंपा है। डबरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने मंत्री इमरती देवी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टेकनपुर में एक महिला के मकान को तोड़े जाने की खबर दिखाई थी, जिसमें पीड़िता ने मंत्री पर आरोप लगाया था। उसके बाद मंत्री इमरती देवी ने पत्रकारों से अपनी हरकतों से बाज आने को कहा। इस मामले में उस पत्रकार और मंत्री इमरती देवी के बीच बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ है। डबरा के पत्रकार इस ऑडियो को धमकाने वाला बता रहे हैं। इस मामले में पत्रकार लामबंद हुए हैं और पुलिस को इस मामले में ज्ञापन सौंपा है। जी, मैंने अपने चैनल में एक खबर प्रकाशित की थी 26 तारीख को, जिसमें एक महिला ने महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी जी पे आरोप लगाए थे। उसी के बाद उनका फोन आया था, जिसमें लगभग उन्होंने मुझे 5.5 मिनट तक एक तरीके से ये कहें कि धमकाया है तो गलत नहीं होगा। मामला जी, एक अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, जिसमें उस महिला के आरोप थे कि मेरा मकान एक व्यक्तिगत द्वेष के चलते, और भी उसने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे कि पहले भी कोई उसके साथ घटना हुई होगी जिसकी मंत्री ने शिकायत नहीं होने दी। उसी खबर को लेकर मैंने खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद मेरे को ये मंत्री जी का फोन आया। मंत्री जी ने काफी कुछ बोला, मगर अंत में उनके जो शब्द थे वो ये थे कि यदि हम अपने पे आ गए तो आप जैसे पत्रकार नलियों में दस्ते फिरोगे। मीडिया कर्मियों का कहना है कि उन्हें डर है कि उन्हें किसी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पुलिस को ज्ञापन दिया है। पत्रकार और मंत्री के बीच की बातचीत का ऑडियो खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि दखल न्यूज नहीं करता। हेलो हेलो, एक पेपर एपर एक टीवी चला के ज्यादा तो मत करो, सब बहुत गरीब आदमी है, आपको पता है। नहीं मैडम, उसका मकान टूट रहा है। बापा मकान टूटो, जेटा कहू की मतलब को है चलावे वाले ना, सब जो शंकर भारती काकाओं का बाप नहीं है तो जाको हमने करवा, जो पूरी हिंदुस्तान में टूट रहा है, इमरती देवी करवा रही।
नहीं मैडम सर, लुगाई को खत्म है तो बेन को खत्म, बात से काय नहीं करे किसाने कुत्ते जी काय करवा रहा हूँ। हम जिस महिला को जानते नहीं है बाकी खिलाफ हमसे झूठों बुलवा बुलवा के और वीडियो और जामे चला रहे। नहीं मैडम झूठ किसने बुलवाया है मैडम, आप कह रही है मैं तो नहीं जानती, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री है क्या, कौन सी मंत्री है मुझे तो बताइए, तो मैं कह रही तो मंत्री ने तो मैडम ये आप उससे पूछे उस महिला से, आप तो अपने मेला से कहा से मेला से तो पहले शिकायत बात से कबा रहे बिचारी से बोले, हम कह रहे बजरंग मेला को बिचारी को जानते ही नहीं, बस ये नहीं जानते कि बाकी मर्द जा कहाँ बनी, यानी लोग भागे पर शिकायत शिकायत से कबा रहे तो हम मंत्री मैडम आप हो रही हो कुल मिला के गलत कहनी का शिकार, मैं बताऊँ आगे गलत करी कैसे चलाया झूठी सांसी, जब हमने नहीं तुम पे क्या सबूत है हमने चलवाया। मैडम हम पे कोई सबूत नहीं है, महिला कह रही है हमने तो ये नहीं कहा आपने आपके नाम का कहीं भी करनी है, एक बार की नहीं तुम्हारी 10 बार की देख ली हमने, फिर भी हम सुनवाई करके और बैठे हैं ठीक है, और इसके अलावा जो पूछे तो इमरती देवी रहती कहाँ है, बाकी क्या बच्चे है, बाकी नाम का है। मैडम इसीलिए तो मैंने पूछा था की इमरती देवी जी पे आप आरोप लगा रही है, कौन है इमरती देवी जी, कह रहे थे तुम ये तुम्हारे खिलाफ ऐसे चला रहा जो झूठी सांसी, तो मैं कह नहीं पा रही था हमने कहीं देखो हम तो मुँह नहीं लगते किसी के, अभी हम मैडम आप ही हमारे, हमने भी आपके सहयोग किए आपके नहीं, हम बरसों से आपसे जो आपको गलत कहनी है हमें नहीं मालूम सहयोग से, और मीडिया मिलना था बोल के डबरा में हर बार एक बात तुम सबसे झूठी खाती। चलो मैडम एक बार आप मौका दें आपके पास मिलना, तो मुझसे खत्म खुआ करते लिखी से बात पता है की तेरे मोड़ा काय को तो अस्पताल गए काय को तेरे मोड़ा दवाई चला ले गए इमरती देवी ने दवाई। मैडम जी पूरी कहानी बता रही थी आपसे मौका मिलता नहीं है, कहानी बना ले तुम लोग हमने बैठ के भूल भी रही बेचारी बता कर हमें तो बीड़ी को डाली है ना वाल बोले वो तो दुनिया जो देख रही ना वो जो कही जो तो चार मैडम सुनो मैं अकेला नहीं था वहाँ नई दुनिया वाले भरत शर्मा जी भी थे, आप उनसे पूछना उसे कितने बताया कितने नहीं बताया, जानते हैं वो नहीं चलाएंगे, वो जानते हैं कि इमरती देवी अच्छी नन्हे और वो डबरा की जनता हमारी भगवान है, डबरा की जनता अगर गलत भी होगी तो हम उसके सामने लड़वे पर खड़े हो जाएंगे, डबरा की जनता सिर्फ मेरी है, मैं किसी का भरोसा नहीं करती, और जो तो गरीब गरीबी हमने देखी जाएगी क्या करवाएंगे हम अच्छे अच्छे जवान सिंह जैसे जो चल रहे थे इनकी नहीं करवा रहे इतने बचा रहे हैं सबको, तो वही तो मैडम आप गरीबों का टूट रहा है ऐसे तो हम क्या दिमाग का टूट रहे कौन कौन के टूट रहे हम फोन पे सुन रहे हम बाहर है हमें तो पता नहीं है, हम इंदौर प्रोग्राम कर रहे थे अपने अब आज हम भोपाल आ रहे कल हम ग्वालियर आ रहे, जब हमें पता ही नहीं की फोन को टूट रहा कौन तो हम करवा रहे कि पूरे हिंदुस्तान में इमरती देवी तुरवा रही, पूरे डबरा की नाक टूटी थी जब इमरती देवी मंत्री है सब काल को बाप से डर के मारे जब लुगाई के बारे नरोत्तम को काल नहीं मिल खिलाफ। मैडम 8 नंबर वार्ड में महिला रह रही है और आप ग्वालियर आ रहे हो, महिला रह रही 8 नंबर में मैं जानती हूँ उस महिला को, नहीं हम तो नहीं जानते मैडम आप घर देखा है, मैंने उसका घर देखा है, नहीं मैडम भगवान जाने देखा है या नहीं देखा है हम क्या नहीं तुम तो ये बता दो उस महिला को पूछे तो इधर खाऊंगा वो गुट मांग में भी आई थे वार्ड में कहा उतना घर देखो उन्होंने, नहीं हमने ये बात पूछी थी तो नहीं थी उनके लोग हैं जो करवा रहे हैं कर गीता से ना शिका के ले आए हमारे लोग को जवाहर कॉलोनी में हमारे लोग जवाहर से क्या कहना शंकर भारती है और अगर शंकर भारती हमारे तो बापो का टूट रहा सही बात है शंकर भारती वहाँ का नेता है वो हमारा है और जाता है तो उसका क्यों टूट रहा वो भी इमरती देवी ने करवा, ऐसे मत करा करो बजरंगबली तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम पेपर वाले बन गए ना तो आप सत्यानाश हो जाओ। चलो मैडम आपकी इच्छा मगर ऐसा तो हमने नहीं सोचा, तुम बच्चन वाले पे ध्यान करो वो बैठा है हमारा, तुम नहीं तुम जब मीडिया मीडिया नहीं तुम्हें ऐसे हो जाएगी सब आप जैसे एक बार नहीं कोई 10 बार की जेल नहीं समझा कोई जेल नहीं मकान मिलते थे नरोत्तम करने के पूरे डबरा की नाक करवा गई थी वहां मैडम उस समय कार्य में नहीं होंगे नहीं बोलते इसका मतलब तुम इसका बढ़ करके काम करोगे। चलो मैडम अब आप जो भी कहें नहीं जो भी बात है जब कड़ी बिरदवाई तो दुनिया लाग जाता है और जब हम अपने पन पे उतर आएंगे ना तो तुम जैसे ना नल में खसक फिरोगे। चलो मैडम जैसे आप पीछे पत्रकारों ने ग्वालियर में एडीजीपी राजा बाबू सिंह को एक ज्ञापन सौंपा
और मंत्री का उक्त ऑडियो देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस मामले में एडीजीपी ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस ऑडियो में मंत्री ने उक्त महिला को नहीं जानने की बात भी कही है। आज मुझे ज्ञापन सौंपा है, हम इसमें देखेंगे क्या। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन चालक की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। गीदम के हाउनार और जगदलपुर तेतरकुटी के रहने वाले 13 लोग बुधवार को बारसूर में पिकनिक मनाकर लौट रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा कर पलट गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 6 अन्य घायल भी हुए हैं। इनमें 3 की हालत ज्यादा गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस हादसे में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहां से गुजर रहे लोग और बारसूर पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। छतरपुर में जैन साइकिल के गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखा 20 लाख से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है गोदाम में रखी बैटरी में विस्फोट के कारण ये आग लगी है। कोतवाली थाने के पीछे पटवारी मोहल्ले में अचानक साइकिल के गोदाम में लगे इन्वर्टर की बैटरी फट जाने से गोदाम में आग लग गई। गोदाम में रखे सामान ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे आग फैल गई, जिससे आसपास के लोग घर के बाहर निकलकर आग बुझाने लगे। आग इतनी तेज थी कि गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड 1 घंटे लेट पहुंचने की वजह से आग ने और भीषण रूप ले लिया। गनीमत रही कि आग दूसरी मंजिल पर लगी थी। यदि आग और फैलती तो चौथी मंजिल पर रहने वाले गोदाम के मालिक का परिवार भी संकट में पड़ सकता था। कितने बजे घटना है? 8:30-9 बजे हम ऊपर चाय पी रहे थे, बैठे थे, मोड़ी को छोड़ने जाना था, पेपर था उसका, एकदम आग लगी। इन्वर्टर फटा तो हमने समझी डीपी गली, वहाँ भी शॉर्ट सर्किट हुआ, वो आग पकड़ ली, इन्वर्टर जला, वो गली बैटरी और पूरे में आग लग गई। हमने बुझाने की कोशिश की, उसने हमारी तरफ जकेड़ा, हमारे पूरे बाहर आग सब जल गए, चेहरा जल गया, फिर हम बाहर आ गए, धुएं भर गया पूरी बिल्डिंग में, पूरे में आग फैल गई। 10-20 लाख से ऊपर का नुकसान है, वो अब मालूम चलेगा बाद में जब अपन देखेंगे पूरा सामान निकालेंगे। ग्वालियर में सरकारी नाले की जमीन पर कब्जा कर बनाए जा रहे होटल को नगर निगम और प्रशासन ने तोड़ दिया है। यह होटल अनुमति के विपरीत बनाया जा रहा था। ग्वालियर में चल रही एंटी माफिया विरोधी कार्रवाई के तहत एक निर्माणाधीन होटल को जिला प्रशासन और नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। ये होटल सरकारी नाले की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया जा रहा था, साथ ही अनुमति के विपरीत इसका निर्माण हो रहा था। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी दल बल्क सहित विश्वविद्यालय रोड इलाके में पहुंचे और सिल्वर स्टेट के सामने संजय जैन के इस निर्माणाधीन होटल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रशासन के मुताबिक इस होटल में निगम ने 2 मंजिल बनाने की परमिशन दी थी, लेकिन 3री मंजिल का भी इसमें निर्माण किया जा रहा था। साथ ही सरकारी नाले को छोड़कर निर्माण होना था, लेकिन नाले के ऊपर भी निर्माण कर लिया गया था। इन अनियमितताओं के चलते ये अवैध निर्माण तोड़ दिया गया। जैन नामक व्यक्ति थे, इनके नाम से ये बिल्डिंग बनाई गई थी और 2 पार्ट में इनकी परमिशन थी, तो इनको नाले से छोड़ के बिल्डिंग बनानी थी, वो मैंने नहीं बनाई, इसके तहत ही अपनी एक्चुअली एक थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना हुआ था इनका ऊपर से, तो ऊपर से ऊपर जो होगी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, उसके बाद जैसे जैसे अपन छोड़ते जाएंगे उसकी बात आती है। सिंगरौली में एक घूसखोर रीडर को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। ये घूसखोर रीडर जमीन का नामांतरण करने के बदले में 12,000 रुपए की मांग कर रहा था। घूस के 5,000 रुपए लेते इसे पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा के निर्देश पर SDM कोर्ट माड़ा जिला सिंगरौली में कार्यरत रीडर विद्याधर द्विवेदी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने पकड़कर कार्रवाई की है। पीड़ित राजलाल पनका ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विद्याधर द्विवेदी SDM माड़ा का रीडर है, जो जमीन के नामांतरण करवाने के लिए 12,000 रुपए की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता का कहना था कि विद्याधर द्विवेदी उसे बार बार बुलाता था और कहता था कि ऐसे काम नहीं चलेगा और उसने बुलाकर रुपए की मांग की। इसके बाद रिश्वत की राशि का एक हिस्सा 5,000 रुपए
पीड़ित ने रीडर विद्याधर द्विवेदी को दिए। रीडर ने पैसे गिनकर काम वाली को दे दिए थे, जिसे लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ लिया और विद्याधर के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है। ग्वालियर के चिरवाई नाका इलाके में संदिग्ध हालत में एक अधेड़ का शव मिला। बताया जा रहा है मृतक कल से लापता था, उसके परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। चिरवाई नाका क्षेत्र में लोहा मंडी के पीछे सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव पड़ा देखा गया। आस पास खबर फैलने के बाद इसकी शिनाख्त रामलखन सखवार के रूप में हुई। रामलखन बीते दिन घर से काम की कहकर निकला था, उसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। उनके परिजनों ने उनकी हत्या की आशंका व्यक्त की है। मेरे गांव के रिलेटिव हैं, व्हाट्सएप पे 100 नंबर के थ्रू हमें कॉल किया गया। उसके जब कॉल किया गया, हम लोग सभी आके यहाँ देखा तो यहाँ मृत पड़े हुए थे ये। और उसके बाद मैं कंपू थाने गया। कंपू थाने जाके हमने FIR के लिए बोला तो उन्होंने झांसी रोड थाना भेजा। वहाँ से तुरंत पुलिस आई हमारे साथ में। क्या रामलखन जी नाम है। कल शाम को अपने घर से निकले हैं बाजार के लिए, तो हाँ तब से घर वापस नहीं आए, तो हमें तो सुबह 100 नंबर के थ्रू कॉल किया गया। परिजनों की सूचना पर झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसने घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने फिलहाल मामला कायम कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध है, लेकिन यह हत्या है या हादसा ये जांच पड़ताल के बाद ही मालूम पड़ेगा। उसके भाई ने बताया, जनवेद ने ही, कि मेरा भाई रामलखन उम्र करीबन 50 साल, जो कल शाम को घर से निकला था और जो चिरवाई के पास ये लोहा मंडी के पीछे संदिग्ध हालत में मृत पड़ा हुआ है। अभी कुछ नहीं है, अब तो जो जांच होगी तब मालूम पड़ेगी क्या हत्या है क्या है। संत नगर में थैलेसीमिया परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां तकरीबन 500 स्टूडेंट ने अपना रक्त परीक्षण करवाया। शिविर में विशेषज्ञों ने कहा कि थैलेसीमिया एक रक्त दोष है जो अनुवांशिक होता है। संत हिरदाराम नगर कन्या महाविद्यालय में थैलेसीमिया परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों ने अपना रक्त परीक्षण करवाया। इस अवसर पर संत हिरदाराम जी के शिष्य सिद्ध भाऊ एवं थद्दाराम तोलानी विशेष रूप से मौजूद थे। यहां कॉलेज के प्राचार्य चरणजीत कौर ने कहा कि आप सभी समाज के हित में कार्य करें। थैलेसीमिया रक्त संबंधी अनुवांशिक विकार है। जीवन साथी का चुनाव करने के लिए कुंडली मिलान के साथ थैलेसीमिया भी जांच कराएं। महाविद्यालय की छात्राओं के लिए थैलेसीमिया कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि हमें पता है कि थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स अगर होते हैं तो उन्हें पार्टनर के चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा उनको कॉशियस रहना पड़ता है। अगर थैलेसीमिया माइनर पार्टनर दूसरा भी पार्टनर अगर थैलेसीमिया माइनर होता है तो फिर आगे आने वाली जेनरेशन में थैलेसीमिया मेजर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और एक ना एक तो ज़रूर ही होगा ही। इसलिए थैलेसीमिया चेकअप जो है वो हॉरोस्कोप मैच करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुंबई से आए थद्दाराम तोलानी ने कहा कि थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता आवश्यक है। सात्विक जीवन शैली स्वस्थ जीवन का आधार है। थैलेसीमिया एक रक्त दोष है जो अनुवांशिक होता है। विवाह के पूर्व रक्त परीक्षण अवश्य कराएं। उन्होंने कहा, जानकारी के अभाव में प्रतिवर्ष 15 लाख बच्चे थैलेसीमिया के साथ जन्म लेते हैं। तोलानी सेवा संकल्प द्वारा थैलेसीमिया जन जागरण अभियान के अंतर्गत अब तक 9 राज्यों के 200 शहरों में 400 शिविर आयोजित कर चुके हैं, जिससे इस रोग के प्रति व्यक्ति में जागरूकता विकसित हो सके। हमारे संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में मुंबई से पधारे तोलानी ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी, जिनका उद्देश्य है कि भारत में किसी भी घर में थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बच्चा जन्म नहीं ले, क्योंकि उसकी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल होती है, 15 साल होती है और बहुत तकलीफ देख कर जाता है। परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत ही नर्क बन जाता है और ये सेवा भावना से करते हैं। ये जो बीमारी है, एक बार बच्चा पैदा हुआ ब्लड बनता ही नहीं है, ऐसे बच्चे करीबन 3 लाख देश में हैं। और ये जो ब्लड डोनेशन देश में हो रहा है उसे 40% ये बच्चे खाते हैं और करीबन 50,000 करोड़ रुपया इस बीमारी पे जा रहा है। अगर ये ज़िंदगी में एक बार हर एक आदमी जांच कराए तो ये बच्चे पैदा ही न हो, देश के 50,000 करोड़ और ब्लड जो मानव निर्मित है वो भी हम 40% बचा सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक,
व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।